हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं एक नए डेस्टिनेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में है नुब्रा वैली। और नुब्रा वैली जब हम जाते हैं तो रास्ते में हमको ये जो पड़ता है, ये डेस्टिनेशन बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर जिप लाइन होती है और जिप लाइन बहुत ही लंबी है, 1200 मीटर लंबी है और 90 सेकंड में पूरी होती है, जिसका चार्ज है 1 पर्सन के लिए 3500 रुपये। तो जी हाँ दोस्तों, यदि यहाँ पर एक बार आते हो और जो इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो एक बार जा सकते हो। डिस्किट मॉनेस्ट्री से 9 किलोमीटर पहले। राहुल, ये कैंप का नाम क्या है? इसका नाम शायद समर हॉलिडे कैंप है। अच्छा, और ये कैमल राइड से जो है उससे पास में ही है क्यों? शायद मोस्ट प्रोबेबली आधा किलोमीटर दूर है। अच्छा। इसका हम लोगों को चार्ज किया हुआ है 2800 इसका चार्ज है पर नाइट, जिसमें दो लोगों की ऑक्यूपेंसी होती है। इसमें अटैच लेट बाथ है, ठीक ठाक एक फैसिलिटी है इसके अंदर। और हम लोग चार लोग एक ही टेंट के अंदर थे तो उसने 1000 कंसीडर कर लिया। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे आप ना ऐसा फिक्स्ड हार्ड एंड रूल मत समझिए कि यहाँ पे इतना ही चार्ज करते हैं। यहाँ पे आप आपके जितना बार्गेनिंग आप कर सकते हो उतनी आपको बार्गेनिंग करना है यहाँ पे। और लिटरली मैं आपको एक ट्रू एडवाइस देना चाहता हूँ कि ड्राइवर लोगों की बातों में आप बिल्कुल भी मत आइएगा। आपको जो भी सही लगता है आप वो डिसीजन लीजिए यहाँ पे, क्योंकि इनका टाइप्स होता है मोस्ट ऑफ द जगह। और आपको इंसिस्ट करेंगे आप यहाँ रुक जाइए, आप यहाँ चले जाइए, आप ये राइड कर लीजिए, वो राइड कर लीजिए, बट जो भी आपको फेवरेबल लगती है आप वैसा कीजिए। और आप बार्गेन करवा सकते हैं, आप हर चीज़ में बार्गेनिंग कोशिश कीजिए। मतलब आपको यदि ये राइड से अच्छी लगती हो तो वो करिए आप। हाँ, उसमें मतलब यहाँ पे 2-3 जगह पे बहुत सारी राइड्स होती है, तो जरूर नहीं आप एक ही जगह पे जाए। पहले एक दो जगह पे आप पूछे, कंफर्म करें क्या प्राइस है, वहाँ पे पैसा कम करवाने की कोशिश करें। कुछ चीज़ों का फिक्स है, जैसे ATV का प्राइस फिक्स है, जैसे आपका रोप का प्राइस फिक्स है ना। लेकिन होटल स्टे वगैरह में हो जाता है, जनरली मोस्टली ये देखा जाता है ऑनलाइन बेनिफिशियल है तब जब आप पहली बार आ रहे हो एक दो दिन के लिए। लेकिन जब आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे देन आप कम पैसे में भी होटल देख सकते हैं ऑनलाइन से, कम पैसे में भी विद क्वालिटी। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। हाँ, आप अगर चाहते हैं तो 1 से 2 दिन तक आप ले सकते हैं होटल, क्योंकि आप आएंगे आपको थोड़ी सी थकान महसूस होगी तो आप रेस्ट कीजिए प्रॉपर, देन बट लेटर ऑन आप कर सकते हैं। यह हमारा कैंप है जिसका नंबर है 106। ये आगे से जहाँ पे यहाँ पे जीपर है यहाँ पे पैक कर सकते हैं। और ये अंदर से एक बेड लगा हुआ है, इसमें टेबल और एक बल्ब है। और यहाँ पे 4 लोग हम सोए थे, जिसमें से 2 नीचे 2 ऊपर और एक खिड़की यहाँ, एक इधर, तीसरी चौथी, टोटल 4 विंडो है इसमें। और ये लेट बाथ, बताता हूँ अंदर क्या है। और ये इसका लेट बाथ है यहाँ से, ये हमारा कार्तिक आर्यन। तो दोस्तों, नुब्रा वैली में वन नाइट स्टे करने के बाद हम निकल पड़ते हैं पेंगोंग लेक के लिए। जी हाँ दोस्तों, पेंगोंग लेक वही डेस्टिनेशन है जहाँ पर 3 इडियट फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो दोस्तों चलते हैं वहाँ पर, आपको वहाँ के वादियों का नज़ारा बताते हैं पेंगोंग लेक के लिए। और पेंगोंग लेक देखने के लिए मेरा नेक्स्ट एक अगला वीडियो है जो आप सर्च करके देख सकते हो। पेंगोंग लेक के बारे में मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। वाह वाह टीटी भाई, वाह टीटी साहब, क्या बोल रहे हो? पहले क्या था यहाँ पे? पूरा झील होगा यहाँ पे, पहले झील था, अभी वो सूख गया तो ये सैंड ड्यून्स बन गया। सैंड ड्यून्स बन गया, बराबर है। और ये बर्फ का पानी, ये बर्फ का पानी ये समझो। अच्छा, तो ये कब मतलब
नवंबर से फरवरी तक यहाँ पे बर्फ रहती है। झील है या कोई रिवर? नवंबर से फरवरी तक नहीं, जनवरी से वहाँ दिसंबर और जनवरी अच्छा फरवरी तक बस इतना ही रहता है, क्योंकि श्योक रिवर है ना। दोस्तों नुब्रा वैली से निकलते हैं तो पेट्रोल पंप दिखाई देता है और एक ही पेट्रोल पंप दिखाई देता है, क्योंकि हम जब पेंगोंग लेक जा रहे थे तो रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं दिखाई दिया। तो दोस्तों पेट्रोल पंप का ध्यान रखिएगा, एक ही पेट्रोल पंप पड़ता है। और आपको बताते पेंगोंग लेक जाते समय रास्ते में ये जो हसीन वादियां हैं, वादियों का लुत्फ आपको बताते हैं क्या है। आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह के लिए रुके थे। ये सामने भाई लोग लैंड रोवर से आए थे, गलती से बाय मिस्टेक हमारा साइड मिरर लग गया था, अलग हो गया। ये हमारी हेल्प करने, इसको फिक्स करने में नेगोशिएट किया हमारे ड्राइवर ने और ये भैया ने आई थिंक 7000 रुपीज़ के लगभग, वैसे इतना होगा नहीं। तो दोस्तों पेंगोंग लेक जब जाते हैं तो रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट माइनर सा हो जाता है, तो उसको सॉल्व करने के बाद हम वापस हमारे डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ते हैं। तो बना रहे हमारे वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये वही नदी है जो नदी पेंगोंग लेक यदि निकलते नुब्रा वैली से तो ये नदी बहुत ही उफान पर रहती है। दोस्तों पहले ही पता कर लीजिएगा कि ये नदी उफान पे है या नहीं, नहीं तो पेंगोंग लेक नहीं जा सकते। गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है तो ड्राइवर साहब ने बोला कि आप उतर रही है और हम उतर गए हैं और उतर के ना डायरेक्ट शूटिंग करने लग गए हैं। और देखें यहाँ का सीन, तो दोस्तों पेंगोंग लेक यदि जाते हो रास्ते में कोई परेशानी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, रास्ते में बहुत सारी परेशानियाँ आती है, नदी नाले उफान पर रहते हैं और गाड़ियाँ उसके ऊपर से नहीं गुजरती है। तो लोगों ने अपना जो लगेज है वो निकाल दिया, क्योंकि ड्राइवर ने बोला कि लगेज निकाल दीजिए और वजन कम हुआ जिससे ये सब गाड़ियाँ उसके ऊपर से आसानी से निकल गई है। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं हम नुब्रा से पेंगोंग की तरफ जा रहे हैं। ये बीच में थोड़ा ट्रैफिक जैम हो चुका है क्योंकि शायद लैंडस्लाइड की वजह से बड़ा स्टोर रुका हुआ है। आप पीछे देख सकते हैं कितना लंबा जाम लगा हुआ है, काफी सारे लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो आप मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करिए कि आप जल्दी आ पाए यहाँ से। हम आपको आगे चल के बताते हैं कि कितना लंबा जाम है और आगे कैसा व्यू है। यार हम लोग ऊपर एक टॉप पॉइंट है जहाँ से हम लोग नीचे उतरेंगे लेक के लिए। हम आपको ऊपर से दिखाते हैं व्यू कैसा आता है, उम्मीद है शायद अच्छा व्यू आएगा वहां से। और अपनी गाड़ी कहाँ है? अपनी गाड़ी हम लोग पीछे छोड़ा है, गर्मी काफी ज्यादा लग रही थी। हाँ। आपने देखा मैंने जैकेट पहना हुआ है, प्लीज जैकेट पहन के आइए आप यहाँ पे। और एक चीज मैंने खास बात देखी है, यहाँ पे कोई भी एसी नहीं चला रहा गाड़ी में, ना ही यहाँ पे गाड़ियों में आपको एसी मिलेगा और ना ही आपको होटल में फैन और एसी मिलेंगे। हाँ। क्योंकि यहाँ पे उसकी नेसेसिटी नहीं है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे अमरनाथ के लिए वार्म अप हो रहा है। हाँ। जैसे हम लोग बैडमिंटन का गेम खेलते हैं ना। यस। तो उसमें हम लोगों को वार्म अप करना होता है, वैसे अमरनाथ जाने के लिए लेह लद्दाख में आए हम वार्म अप करने के लिए। ये वार्म अप है एक तरीके से। एंड डेफिनेटली यार आपको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए ऐसी जगह पे ट्रैकिंग करने के लिए। यार हमने एक चीज नोटिस की यहाँ पे, जैसे हम देख रहे थे यहाँ पे ना, यहाँ के टूरिज्म को या गवर्नमेंट को जो टेम्पररी शेड्स होते हैं टॉयलेट्स के, स्पेशली वुमेन्स के लिए अरेंज करने की जरूरत है। वुमेन्स को काफी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे ना, पानी पीने के लिए कोई फैसिलिटी है नुब्रा से पेंगोंग की तरफ और ना ही यहाँ पे वुमेन्स के टॉयलेट के लिए फैसिलिटी है। मतलब पानी तो की व्यवस्था अपने को पहले से ही करके पहले से करके जाना है, नहीं तो बहुत ही और टॉयलेट्स में भी यहाँ पे इशू होता है। हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम इतना लगा क्यों है, ब्रिज के ऊपर से पानी निकल रहा है। ये तो खैर बात है कि अभी पानी काफी कम है,
लेकिन जब पानी तेज होता है तो आप नुब्रा की तरफ जा नहीं सकते यहाँ से। आप देखिए इसे, गाड़ी बहुत ही स्लो जा रही है। आप देखिए वहां पे गाड़ी अटक चुकी है, अब उसको निकालने के लिए थोड़ी मशक्कत करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर जब तक है जान, जिसमें शाहरुख खान है और इनकी यहाँ पर शूटिंग हुई थी और हम इस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर जब तक है जान, शाहरुख खान शूटिंग पॉइंट, वेरी गुड। और आपको हम बताते हैं यहाँ पर